अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको सोना ही है तो फिर खोने की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको जागना पड़ेगा, अपनी रातों की नींद को खराब करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बड़े ही कष्ट, बड़े ही दुख झेले हैं। अब्राहम लिंकन का ही उदाहरण ले लीजिए। बचपन में वो इतने गरीब थे कि उनके पास पढ़ने को किताबें भी नहीं थी, उनके घर पर लाइट भी नहीं थी। वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़े और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के शक्तिशाली राष्ट्रपति बने। माना हमारे सपने औकात से बड़े हैं, माना हमारे सपने औकात से बड़े हैं, पर हम भी उसे पाने के लिए जिद पर अड़े हैं, जिद पर अड़े हैं। जी हाँ, अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उसे पाने की जिद करते हैं तो वो सपने यकीनन पूरे होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को ही ले लीजिए। वो रेलवे में जॉब करते थे, उनकी नौकरी लग गई थी, पर उन्हें जिद थी कि उनको क्रिकेट ही खेलनी है। और देखो, वो दुनिया के सबसे बड़े महान प्लेयर बने, वर्ल्ड कप भी जीता। तो अगर आप सपने देखते हैं और उनको पाने की जिद कर लेते हैं तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि जिस जिसने इस दुनिया में मेहनत की है, इस संसार में मेहनत की है, उनका नाम युगों युगों तक याद रखा गया। हमारे देश के सबसे अमीर इंसान धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए। वो एक साधारण से इंसान थे, कोई पैसा नहीं था, पकौड़े बेचे, पेट्रोल पंप पे काम किया, पर मेहनत नहीं छोड़ी और अपने उसी अनुभव को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने जीवन में, और आज उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिंदगी में कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति को हराना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इस इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसमें ये दर्शाया गया है, जिसमें ये हमें सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में हम ये ठान लें कि हमें हार नहीं माननी है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। आपने बिहार के दशरथ राम मांझी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपनी जिद के कारण एक पहाड़ को काट काट कर रास्ता बना दिया था, जबकि प्रशासन लोगों ने इसको सबसे पहले बड़ा ही नामुमकिन माना, किसी ने उसका साथ भी नहीं दिया। उसके घर वाले, उसके लोग उसको छोड़कर चले गए। उनके प्यासे रहकर भी उसने दिन रात मेहनत कर उस नामुमकिन से पहाड़ को काट काट कर वहाँ से रास्ता बना दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो जिंदगी में अगर आप ये ठान लें कि हमें हार नहीं माननी है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। जीवन में तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कभी पीछे मुड़ के मत देखना। जी हाँ, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, पर अगर आप उन मुसीबतों को, उन चैलेंजेस को देखते रहे पीछे मुड़कर, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप उन्हीं बंधनों में बंद कर रह जाओगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंस कर रह जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको निरंतर दिन रात आगे ही बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ना है। मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब ऊपर वाले के नाम है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे किसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने अगर आज कुछ काम किया है, भले ही उसका फल आपको बाद में मिले, पर आपको उस दिन एहसास होगा कि हाँ, मैंने ये उस दिन मेहनत की थी, आज मेरे काम आई है। तो आप सिर्फ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है, तो हमें अपने भोग विलास, अपनी सुख सुविधाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि बेटा, किताब नई और कोट पुराना। जी हाँ, उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि आपकी किताब, आपका ज्ञान ही आपको आगे तक लेके जाएगा। अगर आप आज नया कोट डालते हो, उसमें पैसे खर्च कर देते हो और किताब आपके पास अच्छी नहीं है, तो ये कोट तो पुराना हो जाएगा और आपको ज्ञान नहीं मिलेगा और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें अगर
कामयाब होना है तो ऑब्वियसली हमें अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, अपने भोग विलास को भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपकी बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको अलाउ नहीं करेगा। जैसे रातों को जागना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, तो फिर तभी आप सूर्य की तरह चमकोगे। मेहनत करते रहिए, इसे प्रयास करते वक्त मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं अनुभव से होगी, क्योंकि हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताती है। तो हमें अगर जीत नहीं मिलेगी तो भी हमें अनुभव जरूर मिलेगा, इसलिए हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है कि हमें अपनी दिशाओं का बड़ा ही ध्यान रखना है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है, यूटिलाइज करना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। कुछ अंदाज से, कुछ नज़र अंदाज से ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें लोगों की बातों को सुनना भी छोड़ना पड़ेगा, लोगों को इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा, उनकी बातों से, उनके कहने से डीमोटिवेट होना भी छोड़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पर अर्जुन की भांति, अर्जुन की तरह अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो आपको अपने पथ से ज़रूर भटकाएंगे, आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती, जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती, अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कामयाब लोग खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते, उनका हुनर, उनकी कामयाबी, उनका जुनून बोलता है। वो दूसरों को सुनकर उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर अपनाते हैं, वो एक अच्छे वक्ता होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा बोलें तो ही आप कामयाब होंगे, दूसरों को सुनना, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना भी कामयाबी का एक अच्छा लक्षण होता है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती, समुद्र सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता, तो अपने अंदर उम्मीद जगा कर रखिए। उम्मीद का सागर आपका खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हार तो मिलेंगी, पर अगर आप उम्मीद को तोड़ देंगे, उम्मीद करना छोड़ देंगे, तो फिर आप में दोबारा उठकर उस हार से लड़ने का हौसला नहीं मिलेगा और आप ज़िंदगी में समझौता कर लेंगे। तो हमें ज़िंदगी में समझौता नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करना है। गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं, तंग नज़र आते हैं, कमज़ोर नज़र आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते, या यूँ कह लीजिए उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो अपार संभावनाएं होती हैं। वो जंगल में भी रास्ता बना लेते हैं, वो दुर्गम पहाड़ियों को काट कर वहाँ से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। पर जिसने हिम्मत हारनी होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना होता, उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। वो हर तरह से एक्सक्यूज़ देगा कि ये होता मैं ये कर लेता, वो होता मैं ये कर लेता। पर एक सफल इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो ये कहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसी में से अपना रास्ता निकालूँगा। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बिहार के दशरथ मांझी का जिक्र किया था, जो अपने लक्ष्य में इतने खो गए थे कि उन्होंने
दुर्गम पहाड़ को भी चीर कर वहाँ से रास्ता बना लिया था, जबकि प्रशासन और वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बिल्कुल नामुमकिन माना था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने भूख, प्यास, गर्मी, धूप, शरीर पीड़ा सबको छोड़कर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दिया और वो अपनी इस मुहिम में कामयाब हुए। ज़िंदगी में कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। और एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और बिल्कुल सही है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको मरना पड़ेगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ चलने वाला काफिला कुछ देर बाद या तो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा या फिर आपका साथ छोड़कर पीछे रह जाएगा। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपने आप खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आशा करूंगा ये मोटिवेशनल कोर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।